उनसे भी कोई यदि बड़े है, बोले भगवान से कोई कोई बड़ा हो सकता है? बोले हाँ मैं प्रमाण दूंगा बड़ा है। बोले कहाँ है? तो उन्होंने ये श्लोक गाए, इसमें क्या कह रहे हैं, मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरि। उन्होंने उदाहरण दिया, ऐसे जो भगवान है मुनियों का जो हृदय को उदाहरण दिया, एक मानस सरोवर है, लेकिन ये मानस रूपी सरोवर में भगवान क्या कर रहे हैं, एक हंस बन करके वो मानस रूपी सरोवर में जो क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें जो खेल रहे हैं। तब मानस सरोवर कितना बड़ा, बहुत विशाल है, हंस कितना छोटा सा, मतलब भक्तों का जो हृदय है वो इतने बड़े हृदय है, उनके हृदय रूपी सरोवर में जो हंस बन करके जो क्रीड़ा कर रहे हैं, तब बड़े कौन हो, जो भगवान को इतने बड़े, जो भगवान का अपना हृदय में जो धारण कर लिया, जिसको भगवान कहते हैं साधव हृदय बुज्जम साधु नाम हृदय तु हम मद अन्यते ना जानती ना अहम ते भ्रमना। इसलिए जब श्री दुर्वासा जी हैं, जब ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा रखा नहीं कहे, शंकर जी को पास में गए, शंकर जी नहीं रखा के, जब भगवान विष्णु को पास में गए तब भगवान कहते हैं, जो जानते हो मैं संतों का हृदय में रहता हूँ और संत मेरे हृदय में रहता है। इसलिए जगत में कौन बड़े हो गए, कौन बड़े हो गए, संत हो गए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं मेरे सेवा से भी जो संतों की जो सेवा बड़ी है, ये भगवान खुद कहते हैं, हैं? मत भक्ता पूजा वधिक सर्वभूतेषु मन्मति। भगवान कहते तो मेरे से भी मेरे भक्त का पूजा बड़ा है, मैं जो भगवान हूँ मेरे को भी जो अपना हृदय में बांध डालते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले जय जय देव हरि। Yeah.
Thank you.
Oh.
हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी कवि जठाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। आज हम सबके साथ भगवत कथा भगवत कीर्तन करने के लिए हम सबके सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री शंकर जी पार्वती को कहते हैं, बोले पार्वती ये साधारण भाग्य से ये भगवत कथा और भगवत कीर्तन ये साधारण भाग्य से नहीं मिलती है। तब पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु ये जीव को हरि चर्चा और हरि कीर्तन जीव का नसीब में कब जुटता है। तब शंकर जी कहते पार्वती, बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाव दे संगत सोई। बोले पार्वती जब भगवान की किसी जीव को पर में साधारण कृपा नहीं, कहते अति हरि कृपा विशेष कृपा जब हो तभी जीवन में ये सत्संग और ये भगवत कथा तभी भाग्य में जीव को जुटती है, उसको पहले में जुटती है। हाँ? जिसको भगवान के ऊपर विशेष कृपा हो, इसलिए भगवान भागवत में जो स्वागत शब्द को बोले दो बार प्रयोग करते हैं, वो तीन बार प्रयोग नहीं किया है। बोले कब तक उन्होंने स्वागत शब्द प्रयोग किए, बोले पहला बार उन्होंने प्रयोग की जब भगवान कृष्ण बंसीवट पर नीचे खड़े होकर उन्होंने बंसरी बजाई,
लेकिन जो बंसी ध्वनि वो दो तरह का बंसी ध्वनि है, एक है सर्वभूत मनोहर और एक ही गोपीभूत मनोहर। ये बंसुरी की आवाज दो तरह का है, हैं? बोले सर्वभूत मनोहर मतलब भगवान कभी कभी बंसुरी ऐसे बजाया करते थे जो बंसी ध्वनि सबके सब सुन सकते हैं। अब लोग तो वृंदावन में गए ना, जहाँ पर पहाड़ भी द्रवीभूत होकर के भगवान की चरण का छाप जहाँ पर आ, जहाँ पर एकदम गिरिराज गोवर्धन जहाँ पर गल करके एकदम जैसे किचड़ किचड़ जैसे हो गए। इसलिए जिस शब्दों को सारे ब्रजवासी सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाया करते थे जो बंसी केवल गोपियों की कान नहीं थे। जब कृष्ण बंसी बट को नीचे खड़े होकर के उन्होंने बंसुरी बजाई, कभी वो गोपी होता मनोहर था, क्योंकि अगर वो सर्वभूत मनोहर होता है ना, संपूर्ण ब्रज का ब्रज ही उमड़ पड़ता, सारे ब्रजवासी बंसी बट को नीचे चले जाते। लेकिन उन्होंने जो बंसुरी बजा रहे थे वो था गोपी होता मनोहर, जिसको कहते हैं जगौ कलौ बाम दृशा मनोहर। जिस बंसी से उन्होंने बाम दृशा मनोहरा मतलब है जो क्लीन शब्द उच्चारण की, जो शब्दों को राधारणी सुन रही थी बंसुरी से, केवल राधे 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 केवल यही शब्द निकल रहा है। ललिता सुन रही थी बंसुरी से केवल ललिता 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 शब्द निकल रहे हैं। विशाखा सुन रही थी बंसुरी से केवल विशाखा विशाखा, सब गोपियां अपना अपना नाम सुन रही थी, ऐसे बंसी की अद्भुत उनकी करामत थी। इसलिए कृष्ण जो बंसुरी सीखे कहते उनकी बंसुरी की सार्थकता तब हुई जब श्री बंसी बैठे को नीचे उन्होंने बंसुरी बजाया, और इसी के लिए ही उन्होंने बंसुरी सीखे थे। हैं, जितने भी बहुत सारे कारण हैं, कहते उन्हीं बंसी ध्वनि की सार्थकता तो बंसी बैठे को नीचे उन्होंने बजाया। जब कृष्ण बंसी ध्वनि बजाए, अभी गोपियां सबके सब निकल कर घर से आए, है कोई काजल लगा रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई बच्चों को स्नान पिला रही थी, कोई पति सेवा कर रही थी, लेकिन सबके सब निकल करके आए। कुछ तो निकल करके आए, कुछ को निकल नहीं पाए, कुछ तो निकल करके आए लेकिन कुछ निकल नहीं पाए। बोले निकल कर कौन आए और निकलने कौन नहीं आता है? बोले जिनकी भाव संपूर्ण सिद्ध हो चुका था वो तो सबके सब निकल करके आए, लेकिन कुछ गोपियों को पति वाले निकलने नहीं दिया। बोले खबरदार, अगर घर से निकलोगे टांग तोड़ दोगे, घर से बाहर नहीं निकलना। बोले यहाँ कहते हैं भगवान उनको आने क्यों नहीं दिया, इनको क्यों आने दिए? जिन जिनों को इसलिए आने नहीं दिया, इनका जो शरीर पति को साथ में संबंध था, इसलिए वो शरीर हो गया था अपवित्र। ये रास में ये शरीर उपयुक्त नहीं, इसलिए रास मतलब है जहाँ पर रसी रस है, जहाँ पर श्री रसी रस है। वही चीज को तो ठाकुर को भोग लगेगा जो किसी की सेवा में नहीं लगा है, तभी तो वही शरीर तब भगवत सेवा में लग रह सकती है। इसलिए उनको आने नहीं दिया, लेकिन आने तो नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने जो बड़े दुखी हो गए, बोले प्रभु आपकी वो दिव्य रासों में क्या हम सम्मिलित नहीं हो सकते हैं, रास उत्सव में क्या हम सम्मिलित नहीं हो सकते हैं? जब उन्होंने हृदय से बहुत ही तड़फड़ान आई, हृदय से जब उनकी उद्वेलिता, जब उनके हृदय में एकदम कृष्ण विरह आई, तब उसमें विश्वनाथ चक्रधर उदाहरण देते हैं। अब देखना, जैसे आम को जब कच्चा होता ना, उसको हम तोड़ लेते हैं, तोड़ोगे क्या करते हैं, गर्मी में रख लेते हैं, हैं? गर्मी में रख लेते हैं, और जैसे जैसे आम पकती हैं और उसको लेकर के अम्न आकर के ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, कहते तो उसी तरह जब उन्होंने कृष्ण विरह उनके हृदय में आई, उनकी अंदर में जो थोड़ी बहुत तो कमी थी वो विरह में दूर हो गया। लेकिन पतियों ने तो शरीर को रख लिया अभी पर, लेकिन ये आत्मा शरीर से सबके सब श्री रासों में प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तब भगवान कृष्ण स्वागत शब्द प्रकट करते हैं, कहते स्वागतम में महाभागा, कहते हे गोपियां तुम लोग में स्वागत करता हूँ। बोले क्यों? बोले तुम लोग महाभागा, तुम लोग बड़े सौभाग्यवान हो। बोले क्यों सौभाग्यवान है? कारण क्या? बोले कारण है तुमको यहाँ कोई आने नहीं दे रहे थे, घर में तुम लोग अपना अपना काज काम में व्यस्त थे, लेकिन तुम लोगों ने सारे बंधन को तोड़ करके तुम लोगों ने ये रास्ते में उपस्थित हुई है, इसलिए हम तुमको स्वागत करते हैं।
जगत में सबसे बड़े सौभाग्यवान अगर कोई हो तुम लोग हो। उन्होंने एक बार स्वागत की, बोले दूसरा बार कब उन्होंने स्वागत की, बोले जब कृष्ण गोचारण करते करते भाद्रोल में पहुंचे, सखाओं ने कहा कन्हैया बड़े भूख लग रहा है, खाने का थोड़ा व्यवस्था कर दो, बोले चिंता क्यों करते, जाओ यहाँ पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं पास में, जाओ उनको जा करके बोलो पास में कृष्ण बलराम आए हैं, हमारे नाम बोल करके भिक्षा लेकर के आना। लेकिन जब वहां जा करके बोले, लेकिन वो सुनते हुए भी कोई सुने अनसुना कर दिए, वो बड़े दुखी होकर के वापस आ गए। बोले कृष्ण तू बोल रहा था हमारे नाम सुनकर के कुछ भिक्षा मिलेगा, लेकिन तेरे नाम सुनकर तो अनसुना कर दिए तेरे नाम सुनकर के। इसलिए कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, एक काम करो उनकी जो पत्नियां है ना उनको पत्नियों के पास में जाओ। बोले देखो जो लोग त्रिवेदी चतुर्वेदी हैं, इतने सारे वेद उपनिषद पुराण सारे शास्त्र को पढ़े और वो तेरे को समझ नहीं पाए, और जो स्त्री जाति अपवित्र रहती हैं, जिनकी जनेऊ संस्कार नहीं, जिनके वेद में अधिकार नहीं, अब तू मेरे उनको पास में चली जाए, कैसे बात कर रहे हो। बोले देखो जो भक्ति है ना ये किसी को ऊपर में अपेक्षा नहीं करती है, ये भक्ति स्वतंत्रता है, ये भक्ति स्वतंत्र है, कोई ज्ञान वैराग्य तपस्या का प्रति भक्ति निर्भर नहीं करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं न साधयन्ते माम योगम, बोले हे उद्धव मेरे को योग को द्वारा कोई वशीभूत नहीं कर सकते हैं, ज्ञान से नहीं तपस्या से नहीं जथा भक्ति मम, केवल मुझे भक्ति को द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जाओ उनको जाकर के भिक्षा मांगो, जरूर भिक्षा मिलेगा। बोले ठीक है चलते। जब सचमुच से गए देखा सचमुच से जो ब्राह्मण पत्नियां थी ना हाथों में तो सेवा कर रही थी और मुंह में ठाकुर जी का नाम ले रही थी, और जोर जोर से कृष्ण का नाम ले रही थी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कृष्ण बलराम आए हुए हैं, गोचारण करते करते उनको भूख लगे, आप कुछ खाना दे सकते हो,
बास इतना नाम सुनते ही उनके तो कान खड़ा हो गई। बोले क्या कृष्ण बोले राम आए? बोले हाँ। बोले पास में? बोले हाँ एकदम पास में, एकदम पास में आए। देखो अभी भी आप जाकर हम मथुरा में हम लोग रहते थे ना, भिक्षा मांगने जाते थे। हाँ हम लोग द्वादश में हम घर में भिक्षा मांगने जाते थे सचमुच से अभी भी। हैं हम जो भिक्षा चौबेली घर में जाते थे, मुझे इतना चौबेली थी ना, वो थाला भर भर कर हमें चावल हैं गेहूँ और तेल नमक थाला भर भर। अभी भी उनके हृदय में इतने भाव है, लेकिन चौबे बार घर में इतने लिखे पड़े होने पर भी उतना भाव नहीं है। वो ज्यादा भाव है उनकी पत्नी के अंदर में। हाँ उनकी पत्नी के अंदर में जितना अक्सर कर हमें भिक्षा मिलता है ना, वो स्त्रियों से मिलता है, माताओं से ज्यादा भिक्षा मिलती है। अभी कृष्ण का नाम सुनते ही बड़े दिल से तरस रहे थे, कब हम कृष्ण बलराम को कब दर्शन करें। क्योंकि जब उन्होंने सुने कृष्ण छह दिन में पुतना मारे, बोले बाबा रे छह दिन में बच्चा, जब एक महीना हुए सकटासुर को मारे, तीन महीना में त्रिणावर्त को, चार साल में बकासुर को, पांच साल में अघासुर को, हाँ छह साल में काली का सर्प नृत्य, और जब सात साल में उन्होंने गिरिराज को धारणा किए, बोले बाबा रे सात साल का बालक सात दिन तक और सात क्रोश गिरिराज को उठा दिए। हृदय में इतने तरस आ रहा था कब दर्शन करे कब दर्शन करे, लेकिन कंस का डर से कोई कृष्ण दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन जब सुने ये पास में आए, जितने सबके सब यज्ञ के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ हैं, जितने सबके सब बना कर रखे थे ना, उठाया और लेकर चल पड़े। जब चल पड़े किसी ने जा करके, वो जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे ना, उनको पत्नी पति लोग हाँ त्रिवेदी चतुर्वेदी सबके सब बड़े बड़े पंडित, बोले तुम लोग यहाँ पर स्वाहा स्वाहा में लगे हुए हो, यज्ञ के लिए जितने सामग्री ना इकट्ठे किए थे वो सब के सब ले करके कृष्ण को खाने के लिए ले जा रही हूँ। वो तो चोटी खड़े करके भागे यार चोटी खड़े करके भागे। बोले क्या यज्ञ के लिए जो बनाया था कृष्ण बलराम के लिए ले जा रहे हैं। जो आकर बोले खबरदार अगर घर से निकलोगे ना टांग तोड़ देंगे। बोले तेरे घर में ही नहीं आएंगे हम, तो कृष्ण को पास में ही कृष्ण को पास में रहेंगे है। लेकिन जब वो लोग सारी बाधा विपत्तियों को तोड़ करके ठाकुर जी के पास में आए, भगवान स्वागत शब्द का प्रयोग करते हैं। बोले स्वागत हमें महाभागा, बोले तुम लोग हम स्वागत करते हैं, पृथ्वी में तुम लोग बड़े सौभाग्य। देखो यहाँ पर कहते हैं, इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती अति हरी कृपा जा पर होई पाव देही असंगत। पार्वती साधारण भाग्य से भगवत कथा में कोई नहीं आ सकते हैं। जैसे भगवान बंसुरी बजाए, लेकिन बंसुरी सबके कान में नहीं पड़ी, किसको कान में पड़ी? ये गोपियों के कान में पड़ी है। इसलिए कथा में शंकर जी कहते कौन आ सकता है, भगवान तो बंसुरी बजाए नहीं, लेकिन सबको कान में नहीं, सब आप लोगों को कान में पड़ी बंसुरी, आप लोगों के कान में ही बंसुरी पड़ी है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती सतसंगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड हर एक वरा। पार्वती अगर जीवन में जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है जीवन में, अगर एक निमिष एक क्षण आधा क्षण अगर जीवन में सत्संग मिल जाए पार्वती, जीवन धन्य हो जाता है पार्वती। इसलिए ये सत्संगति दुर्लभ संसार। पार्वती प्रश्न करती हैं दुर्लभ कहाँ है, जैसे हम लोग आए भारत से आए हैं, और आप लोग सबके सब निमंत्रण दिए होंगे, आओ कथा में आओ हरी कथा में आओ, सबके सब बोले होंगे कथा में आओ कथा में आओ हैं। बोले ये दुर्लभ कहाँ, ये तो सुलभ है। शंकर जी कहते पार्वती बोले आबत यही सार अति कठिनाई, राम कृपा बिनुआ ही न जाई। बोले पार्वती आबत यही सार अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई। कहते हैं शंकर जी अगर कोई शाहरुख खान आया ना, अगर भारत से इंडिया से सुनो, फिर ऐश्वर्या राय कोई हीरो हीरोइन आ जाए ना, आप देखना बस थोड़ी सी किसको हीट लग जाए, वहां प्यार रखने की तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, वहां पर हाँ प्यार रखने की जगह नहीं मिलेगी अगर कोई हीरो हीरोइन आ जाए तो। हाँ इतने
लेकिन शंकर जी कहते पार्वती आप बताइए यही सारा अति कठिनाई अगर किसको बोले थोड़ा कथा में आप बोले देखो कुछ काम है ना ये काम को थोड़ा निपटा कर जा जाओगे बोले तू स्वयं निपट जाओगे लेकिन ये काम निपटा तो निपटाते ना आप देख रहा तुम तो स्वयं निपट जाओगे लेकिन तुम्हारी काम कभी निपटेगा नहीं। अभी तो किसने काम निपटा है दुनिया में अभी तो किसने काम निपट पाए है 100 साल हो गए अब देखना 200 साल का प्लानिंग बना कर करेगा ये करना वो करना। हाँ इसलिए माता कुंती कहती है बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति है तेरे भक्ति नहीं करेंगे बोले चार तरह का व्यक्ति को भक्ति नहीं करेंगे बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रेदमान मद कुमान ये बड़े अहंकारी होते हैं बोले की बोले जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जिसके पास में ज्यादा पैसा हो जाएगा इसलिए माँ कुंती कहती है उनको कोई हरी कथा में सुन देखना कोई नाइट क्लब में कोई डिस्को में और जहाँ शराब दुकान होगा देखना जितने गद्दी गद्दी स्थान में ये सब लोग मिले जितने गद्दी स्थान में ना इनको अगर कोई सत्संग में आए ना वो बैठे नहीं आए और गए वो आए और गए वो बैठे नहीं कि स्वयं माँ कुंती कहती है कृष्ण को बोले प्रभु ये लोग तेरी कथा में नहीं आएंगे इसलिए जब भगवान कुंती को बोले वर मांगो कुंती वर क्या मांगती है बोले नमो अकिंचन भीताय निभृत गुण भृतय जब भगवान कहते वर मांगो कुंती कहती है प्रभु देना है ना मेरे झोली में दुख भर दो मेरे झोली में दुख भर दो बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे सुख चाहते तो दुख क्यों चाहते हो जिद एक बार तेरे इतने दुख दिया तब तेरे पेट नहीं भर गया अब देखना जब कितने जीवन में दुख आया जत्तुगृह में आग लगा दी गई मारने के लिए भीम को बीज का लड्डू खिला दी गई है और कपट जुआ में खेल करके उनको वनवास उनको 13 साल के लिए कहां भाई पांडव है धर्मराज स्वयं सर्वश्रेष्ठ गांधीधारी अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम है सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में श्री युधिष्ठिर महाराज नकुल सहदेव पृथ्वी में तलवार युद्ध में क्यों कोई बराबर नहीं उनको कोई बराबर नहीं कर सकते हैं बोले जीवन में इतने दुख कष्ट भोग किए फिर तुम दुख मांग रहे हो क्यों दुख मांगती हो हैं कुंती कहती है प्रभु सुख के मात सील पड़े जो राम हृदय से जाए बलिहारी हो दुख को जो पल पल नाम जो पाए फिर दुख में सुमिरन सब कर सुख में करे ना कोई और जो सुख में सुमिरन कर दुख काहे क्या है इसलिए यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भगवान किसको ऊपर कृपा करते हैं ना ज्यादा पैसा नहीं देते जानबूझकर वो जानता है ज्यादा पैसा होना भी कोई गड़बड़ी नहीं ज्यादा पैसा होना भी कोई गड़बड़ी नहीं लेकिन अगर पैसा पा करके लक्ष्मी या पैसा अगर भगवान की सेवा में लगाए ठाकुर की सेवा में लगाए ये बहुत बड़ी बात है हैं ये बहुत बड़ी बात है इसलिए यहाँ पर माँ कुंती कहती है बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे बोले जिसको हाई फाई घर में जन्म हो गया जिसको ज्यादा पैसा मिल गया ज्यादा जो सुंदर हो गया और ज्यादा जिसको ज्ञान मिल गया बोले प्रभु अक्सर करके तेरे भक्ति से बहुत दूर हो जाते इनको भक्ति में कहीं ये लोग नहीं दिखेंगे प्रभु जी इसलिए जितने राम की भक्त देखो कौन गुह के चंडाल है सबर है सबरी है काव्यभूषण जी हनुमान तलाल है ये सब राम की भक्ति में देखो इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति हरी कृपा जा पर होई पाव दही संगत सोई जिसको प्रेम भगवान की विशेष विशेष कृपा हो जाए पार्वती तभी ये सत्संग में कोई आ सकते नहीं तो कोई नहीं आ सकते हैं इसलिए भगवान इसलिए केवल दो बार भगवान ये स्वागत शब्द प्रयोग किए एक तो गोपियों को एक बार करते हैं और एक बार किसको कहते हैं कहते सिर्फ यज्ञ पत्नियों को स्वागत करते हैं क्योंकि उन लोगों ने भगवान की सेवा में प्रभु को पास में आया इसलिए आज आप लोग जो जो कथा में आए ना भगवान आप लोगों का स्वागत करते बोले क्यों आप सबका घर में कुछ ना कुछ काम होगा ऐसे नहीं बिना काम के कोई नहीं होगी संसार में सबका सब ना कुछ काम होगा लेकिन आप लोगों ने सारे काम को जो पीछे करके आप लोग जो भक्ति में आए हो इसलिए हमारे टीकाकार यही कहते हैं
सारे काम को जो पीछे करके जो भगवान की भक्ति में आते हैं, भगवान सबको स्वागत करते हैं। तुम लोग महाभाग्य, आप लोग महाभागा और ये लोग महाभाग्यवती है, क्योंकि आप लोग अपने भगवत कथा में और हरि चर्चा में आप लोग आए हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए आज हम लोग नवद्वीप धाम की, अब नवद्वीप धाम परिक्रमा आए हैं, ठीक है ना। आज हम लोग नवद्वीप धाम की परिक्रमा की कथा सुनेंगे। नवद्वीप धाम परिक्रमा का क्या महत्व है, हैं? नवद्वीप धाम परिक्रमा हम क्यों करने जाते हैं, आज कल इसी विषय पर हम सुनेंगे। महापुरुष कथा सुनेंगे, कहते ये सनक संहिता की कथा है। बोले एक समय माँ पार्वती शंकर जी से प्रश्न करते हैं, बोले हे प्रभु, अब देखो जितने ग्रंथ देखो, जितने पुराण देखो, सब शंकर पार्वती का संवाद है। माँ शंकर जी कथा कहते हैं और माँ पार्वती बैठकर कथा सुनती है। जितने पुराण हैं सब शंकर पार्वती का संवाद है। इन्हें दोनों के बगैर ना, इसलिए कहते जितने पुराण हुए इसलिए इनके बगैर कोई कथा ही नहीं। भागवत देखो, भागवत को क्या कहते हैं, अमर कथा है। बोले क्यों, शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में बैठा करके उन्होंने ये कथा सुनाई, इसलिए इसका नाम श्री अमर कथा है, हैं? इसलिए कहते रामायण देखो, तुलसी कृत रामायण देखो, वहां पर कहते हैं शंकर जी सबसे पहले ये रामायण को रचना करके अपना हृदय में रखा, सबसे पहले उन्होंने हृदय में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जब रामायण शुरू करते हैं बद शंकर पार्वती को गुरु रूप में सबसे पहले उनको वंदना करते हैं गुरु रूप में। इसलिए यहाँ पर माता पार्वती प्रश्न करती हैं शंकर जी से, बोले हे प्रभु, जैसे हरि अनंत हरि तथा अनंत है, आपके मुंह से तो मैंने बहुत सारी कथा सुनी है, कभी कभी कृष्ण का नाम लेते हो, कभी राम का नाम, कभी नारायण का नाम, बहुत सारी सुने, लेकिन कभी कभी मैं सुनता हूँ आप कभी सचिनंदन गौर हरी, कभी कभी गौरांग है, कभी कभी चैतन्य, अब कभी कभी ये नाम को भी कभी कभी लेते हो, ये नाम भी कभी कभी सुनता हूँ। इसलिए हे प्रभु आप कृपा करके बताओ ये गौरहरी कौन है, ये गौरांग कौन है, ये निमाई कौन है, हैं? आप कृपा करके थोड़ी सी उनकी कथा सुनाओ। जब इतना प्रश्न की शंकर का हृदय तो प्रेम गदगद हो, हृदय इतने प्रसन्न हो गया और उन्होंने श्री पार्वती को आलिंगन की। बोले पार्वती तुमने इतने सुंदर तुमने प्रश्न की, क्योंकि अभी जो प्रश्न करे उसको उत्तर देना पड़ेगा और उत्तर में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की कथा उन्होंने पूछे, इसलिए इतने में शंकर जी के हृदय में, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, शंकर जी के हृदय में तो पूरा प्रभु का लीला ही लीला उतरने लगे। शंकर जी प्रसन्न हो गए, पार्वती को आलिंगन किया। बोले पार्वती इसलिए तुमने इतने अच्छे प्रश्न की हो, बोले क्यों, बोले तुम राधा जी की अंश हो, जगत ना उमा रमा सत्या सची चंद्रा रुक्मिणी राधा अवतार सबे आगना है। तो जितने उमा रमा सची जितने हैं वो कौन है, बोले राधा रानी की सबके सब प्रकाश है, इसलिए तुमने इतने प्रश्न तुमने की। इसलिए शंकर जी श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनाते हैं, बोले इनका अलग अलग नाम है, एक नाम है गौरव हरि, इनका नाम गौरहरि नाम क्यों पड़ा, कारण क्या, बोले कारण है जब द्वापर युग की लीला समाप्त हो गई, कृष्ण की मन में जो इच्छा थी उन्होंने सब इच्छाओं को उन्होंने पूरी की, सारे रस को उन्होंने आस्वादन किए, भगवान होते हुए भी उन्होंने सखाओं का सखा बना और उनको झूठा नहीं खाए। अगर पेड़ के ऊपर में कोई देखे फल है ना, दो तीन सखा नीचे खड़े हो जाते हैं, उसके ऊपर तीन चार सखा, उसके ऊपर दो तीन और उसके ऊपर एक खड़े हो जाते हैं, हैं? और खड़े होकर फल को वहां से तोड़ते हैं और जो पहला जो सखा है ना एक बार खा लेता है फल कैसे मीठा है, जब दूसरे को पास में वो भी थोड़ा खा लेता है, करते करते जब लास्ट कृष्ण को पास में आता है ना गुठली बजता है और कृष्ण उसको खा करके बोले वाह बड़ा मीठो फल है, हैं? इसलिए बोले सखा लोग पहले खा करके कृष्ण को क्यों देते हैं, बोले अगर कोई गंदा फल होगा तो कृष्ण को कैसे देंगे, मीठा फल होगा तो तभी देंगे। इसलिए कृष्ण झूठ लगाते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं।
जब गुरु कुश्ती लड़ते हैं श्रीधामन कृष्ण को पछाड़ देते हैं, बोले कन्या तू हार गया, घोड़ावत उनको बात होता है ये भांडरी बट तक माठ गांव से भांडरी बट तक लेना पड़ेगा जो हार जाएगा। बोले कृष्ण तू घोड़ावत, बोले मैंने घोड़ा नहीं बनता, सखा लोग है तो अकेले कर दो, इससे कोई बात नहीं करना, सब अलग हो जाओ, इससे कोई बात नहीं करना। कृष्ण कहते नहीं 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 भैया ऐसे मत कर, मैं घोड़ा बनता हूँ। बढ़िया, इसलिए भगवान घोड़ा बन जाते हैं और सखाओं कंधे पर ले जाते हैं। इसलिए मैया जस्ता उखल में बांध देती हैं, रास में कृष्ण गोपियों के चरण में प्रेम की भिक्षा मांगते हैं भगवान होते हुए। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं मैंने तो सारे रस को आस्वादन की लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग से बाहर चला गया। बोले वो क्या है? बोले राधा रानी की प्रेम की क्या है? मैंने जितना आस्वादन करता हूँ मेरे को जो आस्वादन होता है इससे करोड़ों गुण से राधा रानी आस्वादन करती हैं। मैं भी राधा जी को दर्शन करता हूँ, राधा मुझे भी दर्शन करता है, लेकिन मैं कभी प्रेम में कभी विभोर नहीं हो जाता हूँ, कभी बेहोश नहीं हो जाता हूँ। राधा रानी वो बेहोश हो जाती हैं, सारा दुनिया मेरी बंसुरी की मीठी मीठी आवाज सुन करके हाँ तब त्रिजगत मानस आकर्षी मुरली कल को जीता कहते मेरी बंसी ध्वनि सुनकर के त्रिभुवन मोहित हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी की कान गला की आवाज सुनता हूँ मैं स्वयं मोहित हो जाता हूँ। मेरे स्पर्श पाकर के सारा दुनिया मेरे स्पर्श करने के लिए पागल बनते हैं, लेकिन जब फिर राधा जी का स्पर्श मेरे को मिलता है मैं स्वयं पागल बन जाता हूँ। इसलिए राधा जी के अंदर में से क्या प्रेम की महिमा है और मेरे अंदर में जो अद्भुत जो सुंदरता है जिस सुंदरता को देख करके मैं स्वयं चकित हो जाता हूँ। तथा अपर कलित पूर्वम कष्ट मत करकारी, जब कृष्ण अपना स्वरूप को किसी मणि स्तंभ के ऊपर में अपना परिचय को देखते बोले ये कौन है, इतने सुंदर ये कौन है। कृष्ण का मन भी स्वयं पागल हो जाता है, कहते कब मैं राधा रानी बन करके ये रूप में कब आलिंगन करूं। इसलिए कृष्ण गोलोक वृंदावन में सोच रहे हैं भैया ये चीज को मैं कैसे आस्वादन कर सकता हूँ। बोले जब तक इसी राधा जी के भाव और अंग कांति को धारण नहीं करूँगा तब तक ये चीज को मैं आस्वादन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए राधा रानी से दो चीजें उन्होंने उधार लिए, राधा जी के भाव और उनका कलर। इसलिए भगवान का जितने अवतार देखो सब सब काले हैं, सब के सब काले हैं, लेकिन एक महाप्रभु है जिनका नाम पड़ा गौरव हरी। गौरव हरी क्यों? हरी मतलब कृष्ण, गौरी मतलब श्री राधा रानी, ये दोनों मिल करके कति ये गौरव हरि नाम हुए। बोले श्री सचिनंदन गौर हरी की, इसलिए इनका एक नाम गौरव हरि नाम। बोले इनका दूसरा नाम क्या? बोले चैतन्य। बोले इनका नाम चैतन्य क्यों नाम पड़ा? बोले इसलिए इनका नाम चैतन्य पड़ा कहते सृष्टि से पहले केवल यही एक चेतनता रूप में थे। इसलिए जिसको बृहदारण्य उपनिषद में कहते हैं जब भगवान एक समय इच्छा कर रहे हैं मैं लीला करूंगा, लेकिन लीला तो अकेले नहीं कर सकते हैं, जब तक श्री दो नहीं हो तब श्री कृष्ण का बाण अंग से श्री राधा रानी प्रकट होते हैं और राम अंग से श्री बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं, फिर धीरे धीरे सारे सब कुछ विस्तार होता है। इसलिए पृथ्वी में जब कोई चेतनता रूप में जब थे कौन थे? बल्कि एक श्री चैतन्य महाप्रभु थे, जब वो दो हुए ना कौन हुए? श्री राधा और ये कृष्ण हुए हैं। इसलिए उनका नाम है चैतन्य। कहते उनका नाम एक गौरांग है। बोले गौरांग नाम क्यों पड़ा? बोले जिनके अंग का शरीर अंग का रंग था गौरव वर्ण था इसलिए उनका नाम है गौरांग। इसलिए शंकर जी बोले पार्वती उनके अलग 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 उनके नाम है उनकी। जब इतना बात बताए इतने में माता पार्वती प्रश्न करती है बोले हे प्रभु आप कृपा करके ये बताओ कि वृंदावन धाम की महिमा मेरे को थोड़ी सी बताओ। शंकर जी कहते पार्वती ये जो वृंदावन धाम ये कोई साधारण धाम ये वृंदावन धाम नहीं। बोले एक समय हाँ कहते एक समय श्री अनंत देव महाविष्णु के पास में गए, बोले आप कृपा करके मेरे को थोड़ा वृंदावन धाम की कथा सुनाओ और ये वृंदावन धाम को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ आप कृपा करके बताओ। महाविष्णु कहते हैं देखो ये वृंदावन धाम की इतने महिमा से वृंदावन धाम की अभी प्रभु जी भजन गा रहे थे
किरत सुता के पग पग ने प्रयाग जहां केशव की कई कुंज कोटि कोटि काशी गोपिन की द्वार पह बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है स्वर्ग अभवर जहां हम ले कर करेंगे किया जानते नहीं है किया हम श्री वृंदावन वासी कहते हैं वृंदावन धाम कोई ये साधारण धाम नहीं अद्भुत धाम वृंदावन धाम हम लोग तो वृंदावन गए हो पर कौन वृंदावन गए तो हाथ उठा कौन कौन वृंदावन गए अब देखना वृंदावन में शंकर जी गोपी बनकर बैठे हुए और अंदर में प्रवेश नहीं कर पाए स्वयं भोले बाबा वो प्रभु की लीला दर्शन करना चाह रहे थे गोपियों ने पकड़ कर निकाल दिया उनको वहां पर श्री ब्रह्म हृदय है जहां पर ब्रह्मा जी पत्थर बनकर कुआं तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी उद्धव जी जहां पर गुल्म लता औषधि वृक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं माँ लक्ष्मी तेरा बेलवन में जमुना के उस पार पे बेलवन में लक्ष्मी तो हर समय हाथ ऐसे करके रहती है अब वहां पर देखना लक्ष्मी हाथ जोड़ कर बैठी तपस्या कर रही है वैकुंठ छोड़ करके वृंदावन में प्रवेश करने के लिए उनको भी प्रवेश प्राप्त नहीं हुआ ऐसे श्री वृंदावन धाम है अद्भुत वृंदावन धाम की महिमा है इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं अद्भुत धाम से वृंदावन धाम इसलिए वृंदावन में जो सरोवर है कहते सरोवर नहीं वृंदावन में कहते प्रेम सरोवर है राधा कृष्ण स्वयं द्रवीभूत होकर के उस सरोवर बने मान सरोवर राधा रानी के आंखों से आंसुओं से ये सरोवर है राधा कुंड श्याम कुंड गए ना राधा कुंड श्याम कुंड ये राधा कुंड श्याम कुंड क्या है पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है ये राधा कुंड श्याम कुंड में राधा कृष्ण दोनों ही ये कुंड रूप ये धारण किए हैं इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड कोई साधारण कुंड नहीं बोले एक समय सारे तीर्थ बैठ करके मीटिंग की बोले हर तीर्थ में एक कोई राजा होता है ना सब जगह में एक राजा होते हैं बोले सारे तीर्थ में राजा किसको बनाया जाए बोले ये प्रयाग को राजा बना क्योंकि प्रयाग गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों नदी एक साथ में हुए हैं ये प्रयाग है बोले इन्हीं को ही राजा बनाया दिया जाए अभी राजा बने तो उनको त्याग देना पड़ता सबको कर देना पड़ता है लेकिन ये सबके सब जाते हैं उनको कर देने के लिए लेकिन वृंदावन धाम से कहते नदी की बात छोड़ दो तालाब की बात छोड़ दो एक एक कुआं भी उनको पास में दर्शन करने नहीं जाते एक दिन प्रयाग दुखी होकर बाकी भी आदमी पास में आए बोले प्रभु मेरे को ये तीर्थराज क्यों बने तो तीर्थ में तू राजा हो बोले अगर मैं तीर्थ में राजा हूँ अब तक वृंदावन से नदी की बात छोड़ दो तालाब की बात छोड़ो यहाँ से कुआं भी मेरे दर्शन करने नहीं आता पर मैं किस चीज की तीर्थ हूँ भगवान कहते देखो मैंने जो राजा बनाया ना मेरे घर का राजा तेरे को नहीं बनाया मेरे घर का राजा तेरे को नहीं बनाया कहते जो वृंदावन धाम ये अपना घर है जिसको ब्रह्मा कहते हैं बोले चिंता मणि प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष लख्यावृतत सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र सतसम भ्रमसेवमानम् वृंदावन धाम की जो धूल है धूल नहीं वो चिंतामणि वृक्ष नहीं वो कल्प वृक्ष है और वहां पर जो चलता है ना चलना नहीं जब कोई चलता है लगता है जैसे कोई नाचते नाचते जा रहे कहते कथा गानम जब कोई कथा बोलते हैं कथा नहीं लगता है जिस पर सुंदर कोई भजन गा रहे हैं मतलब पानी नहीं वहां पानी अमृत है बोले एक काम देव नहीं करो काम धनु और एक लक्ष्मी नहीं हजार लक्ष्मी जहां पर झाड़ू लगाती है वृंदावन धाम है कभी यहाँ की जो धूल पड़ा में इतने शक्ति है तेरी जैसे कितने प्रयाग हो इसलिए बोले केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है गोपिनी के द्वार पर बसत है श्री हरिद्वार इसलिए ये वृंदावन धाम साधारण नहीं ये वृंदावन धाम साधारण नहीं इसलिए वहां के जितने पर्वत है अब लोग नंदगांव गए ना गए कि नंदगांव वो कौन है स्वयं शंकर जी बरसाना कौन है स्वयं ब्रह्मा जी गिरिराज गोवर्धन कौन है ये स्वयं विष्णु है बोले जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश
ये पर्वत रूप में कृष्ण सेवा के लिए यहाँ पर प्रकट हुए। और महाविष्णु कहते ये धाम में तुम्हारी बात छोड़ दो, महाविष्णु कहते हैं मैं भी अभी तक वो धाम को दर्शन नहीं कर पाए, जहाँ पर कर्ण तो गोसाई गर्भ तो गोसाई क्षीराब्दी साई विष्णु भी जहाँ तक प्रवेश नहीं कर पाए, ऐसे श्री वृंदावन धाम है। इसलिए महाविष्णु कहते हैं जैसे कोई सोचे कुत्ते का पूछ पकड़ करके हम समुद्र पार कर लें, असंभव है समुद्र पार करना कुत्ते का पूछ पकड़ करके, ऐसे ही ये वृंदावन धाम साधारण व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। फिर अनंत देव कहते हैं फिर क्या ये वृंदावन धाम फिर हम जा ही नहीं सकते हैं, दर्शन नहीं हो सकता है। बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले अगर कोई ब्रज गोपियों की अनुगत्य करे उनकी अनुगत्य द्वारा ही ये ब्रज धाम दर्शन मिल सकता है। बोले भैया ये गोपियों की अनुगत्य भी साधारण वस्तु नहीं, यानी कि अनुगत्य सब, इसलिए बृहद नारद जो पुराण में आती है बोले जो ऋचाएं थी ना वेद का मंत्र ये लोग भी कठोर तपस्या करते हैं। भगवान कृष्ण जब संतुष्ट हुए बोले क्या चाहते हो? बोले गोपियां जैसे भक्ति करते हैं हम चाहते हैं। बोले नहीं ये नहीं हो सकता और कोई चीज मांगो। बोले नहीं हमें यही चीज चाहिए, हमें यही चीज चाहिए। दंडकारण्य का जो ऋषि लोग है कठोर तपस्या की गोपी शरीर को प्राप्त करने के लिए है, इसलिए ये भी साधारण वस्तु नहीं। फिर बोले भैया फिर तो असंभव ही है। बोले असंभव नहीं संभव है। बोले कैसे? बोले यही ब्रज प्रेम को देने के लिए अभी श्री कृष्ण ही कलयुग में श्री सचिनंदन गौर हरि बनकर श्री नवद्वीप धाम में आए, श्री नवद्वीप धाम में आए। अगर किसी तरह से कोई एक बार से नवद्वीप धाम में जाए और वहां वैष्णव का अनुगत्य में नवद्वीप धाम की परिक्रमा करे और जहां जहां महाप्रभु ने लीला की है वो लीला स्थलियों में अगर कोई जाए कोई परिक्रमा करे ना बस, तो महाप्रभु जैसे दयालु वो नवद्वीप धाम भी वैसे दयालु, वहां पर केवल परिक्रमा लगाओ बस परिक्रमा से ही तुमको हा? कहते गौरव प्रेम रसार नवे शतरंग जेवा डूबे से राधा माधव। जो महाप्रभु की प्रेम रस में गोता लगाएगा वो अपने आप राधा कृष्ण प्रेम में अपने आप उसको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए श्री अनंत देव जी जाओ श्री नवद्वीप धाम को और नवद्वीप धाम में जाकर परिक्रमा करो, वास तुमको अपने आप ये ब्रज प्रेम राधा कृष्ण की भक्ति अपने आप तुमको मिल जाएगी। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरी की जय। कौन कौन नवद्वीप धाम परिक्रमा लगाया? हाथ उठा कौन कौन परिक्रमा लगाया? जोर से हाथ, कोई हाथ नहीं उठा रही, जो जो नहीं लगाया ना एक बार कोशिश करो। ये शंकर जी पार्वती को कहते बोले पार्वती ये पृथ्वी में जितने धाम हैं अगर ये सारे धाम में करोड़ों करोड़ों बार कोई अगर गए उनको जो पुण्य मिलेगी अगर नवद्वीप धाम में एक बार पार्वती कोई परिक्रमा कर ले उससे अनंत गुण में ज्यादा फल मिलेगा, ये शंकर जी स्वयं कहते हैं। इसलिए ये नवद्वीप धाम परिक्रमा करने की बड़ी महत्व है। फिर पार्वती प्रश्न करती है कहते प्रभु जी आप बताए से नवद्वीप धाम परिक्रमा श्रेष्ठ? बोले हाँ। बोले नवद्वीप धाम बना कैसे? ये नवद्वीप धाम की महत्व इतना क्यों? ये नवद्वीप धाम किसने और क्यों ये नवद्वीप धाम बनाए? फिर शंकर जी कहते पार्वती बोले एक समय राधा रानी देखती है कृष्ण बिना बोले कहीं छुप करके कहीं चले जाते हैं, लेकिन जब वहां से वापस आते हैं ना इनके मन में कुछ चंचलता दिखती है। देखो अगर कोई पति कहीं जाए भैया पत्नी को बोल कर जाएगा हम कुछ जगह पर जा रहा हूँ मैं कितने समय पर आ जाऊंगा, अगर पति अगर बिना पत्नी के बोले अगर छुप करके कहीं जाती है और आते पर उनके मन में चंचलता, फिर पत्नी का क्या होता है? उनका क्या लगेगा? हो ना हो और कहीं तो प्रेम नहीं कर रहे हैं, ये बिना बोले क्यों जाते? बोल कर चले जाए भैया हमको जगह पर जा रहे। अभी राधा रानी अभी सोच रही है ये ठीक इसी समय होने पर बिना बोले गायब कहाँ पे जाते हैं और मेरे को बोलते नहीं क्यों और आते तो मन में चंचलता क्यों? एक दिन राधा रानी मन में शंका हुई लगता है ये छुप करेगा और किसको कहीं प्रेम कर रहे हैं। तब उन्होंने
एक सखी को सीआई रूप में लगा दिए। बोले देखना तो ये कहाँ जाते हैं, ठीक है इसका मामले पर। एक दिन वो सखी कृष्ण को पीछे 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 चलते रहे, ये कहाँ जाते हैं। सचमुच से वो चलते चलते देखा जैसे श्री वृंदावन धाम है, ठीक वैसे और एक सुंदर धाम है, बड़े सुंदर लता पता फल फूल से पूरा वो धाम भरा पड़ा हुआ। जैसे वृंदावन में यमुना है, वहां पर भी एक बड़ी सुंदर नदी, कौन सा नदी है, बोले गंगा है, बड़ी कलकल नाद से बह रही है, अपूर्व स्थान है। और वहां पर एक सखी जिसका नाम बिरजा, वो भी बड़ी सुंदरी सखी है। कृष्ण जाकर के अकेले में वहां पर वहीं पर जाकर के मिलते हैं। बस बिरजा ने चीज को देख लिए, देख करके बोले हे राधे तुम्हारी मैंने जो शंका है शंका सही है। बोले क्या बात, ठीक वृंदावन धाम जैसे एक सुंदर धाम, बड़ा सुंदर लता बता में भरा हुआ अपूर्व स्थान है, और वहां पर एक सुंदरी एक सखी जिसका नाम बिरजा है, कृष्ण उसको साथ में वहीं पर जाकर मिलते हैं। इतने में श्री राधा रानी बोला मैं तो यही सोच रही थी हाँ दालू मुझे काला है। इतने में श्री राधा रानी भी पीछा करती है, है? जब राधा रानी पीछा करती है, करते 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 बिरजा कृष्ण के साथ में मिल रहे थे। इतने में श्री राधा रानी वहां पर पहुंच गए, देख करके तो कृष्ण डर गए, बोले इनको कैसे पता चला यहाँ पर गए। जब देख लिया इतने में कृष्ण तो वहां गायब हो जाती है, और जो बिरजा सखी थी ना वो एक नदी बनकर के बह गई, नदी बनकर के वो पानी रूप धारण कर ली। तब राधा रानी सोच रही है ओ कृष्ण इसलिए यहाँ पर आते हैं ये सखी से मिलने के लिए, ये धाम उनको अच्छा लगता है, इसलिए उनका नाम राधा। राधा मतलब क्या है, बोले जो राधा मतलब होता है वो आराध्य इति राधा, मतलब कृष्ण की जितने इच्छाओं को अगर पूर्ण रूप में कोई अगर कोई कर सकती है कौन है, बोले श्री राधा रानी, सब इच्छा को यही पूरी करती है। बोले कृष्ण को ये धाम प्यारा है ना, तब राधा रानी वहीं पर उन्होंने बड़े सुंदर उन्होंने नवद्वीप गए ना, उसको कहते वो नवद्वीप नहीं, राधा रानी ने फिर नॉर्थ उन्होंने सुंदर कुंज बनाए, हाँ जो एक जो दीप है वो दीप नहीं, वहां पर सुंदर 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 उन्होंने कुंज बनाए। कुंज समझते कि नहीं, जहां पर कुंज होता जिस चार वृक्ष हो चार तरफ में, जिसको पर माधवी केतकी जिसको ऊपर में सुंदर सुंदर लता सुंदर सुंदर उसको ऊपर भी चढ़ा हुआ हो, सुंदर जैसे कुंज हो हर तरह का फूल फल से। राधा रानी अपना शरीर से ही ये नवद्वीप धाम को नॉर्थ उन्होंने कुंज बनाए, और कुंज बना करके राधा रानी फिर वहीं पर सुंदर बंसी ध्वनि किए। जब बंसी ध्वनि की इतने में श्री श्याम सुंदर वहां पर प्रकट हुए बंसी ध्वनि सुन करके। जब श्याम सुंदर प्रकट हुए अब राधा रानी और कृष्ण अभी धीरे धीरे देखते 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 दोनों मिलकर एक हो गए, कौन हो गए एक, श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए। फिर सखियों ने देखा बोली ये क्या हो गया, ये तो दोनों मिलकर पुरुष बन गए। इतने में जो ललिता सखी थी ना अभी स्वर्ग दामोदर राय रामानंद विशाखा बन गई, तुंग विद्या कहते तुंग विद्या सखी प्रबोधानंद बन गए, कहते श्री रूप मंजिल रूप गोस्वामी, लव मंजिल सनातन गोस्वामी, अभी सबके सब जितने थे स्त्रियां ना सबके सब पुरुष रूप में परिवर्तन हो गए। और परिवर्तन होकर के बड़े सुंदर वहां पर कीर्तन किया, बोले जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि I'm not afraid.
सब मिल करके कीर्तन करते हैं। जब कीर्तन करते हैं फिर जो राधा कृष्ण जो एक हो गए थे फिर धीरे धीरे दो हो गए, फिर जो पुरुष बन गए थे सबके सब स्त्रियां बन गई। तब राधा रानी बोली ओ कृष्ण को ये स्थान बड़ा प्यारा लगता है, हैं? तब उन्होंने आशीर्वाद दिए अगर ये धाम में कोई एक बार आए यहाँ पर परिक्रमा करे ये धाम का धूल कर हृदय में लगाए तो एक दिन उसको राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए श्री शंकर जी पार्वती को कहते पार्वती ये त्रिभुवन है न धाम, नवद्वीप है न धाम, त्रिभुवन नाही जहाँ अवतीर्ण है चैतन्य गोस्वामी। कहते पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ हो कोटि कोटि कोई बार कोई परिक्रमा करे अगर एक बार श्री नवद्वीप धाम का परिक्रमा करे तो उससे अनंत कर्णगुण में जरा फल प्राप्त होता है। इसलिए श्री नवद्वीप धाम की अपूर्व महिमा है। श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय श्री राम। कितने बजे कथा खत्म करें? 9 बजे। कितने बजे? 8:30 बजे रखेंगे। 9:30 बजे। आप 5-10 मिनट सुन लो। हाँ देखो अभी प्रश्न होता है हमारे आराध्य देव कौन श्री चैतन्य महाप्रभु। यहाँ प्रश्न है हम लोग जितना दिन टूटेंगे ना केवल महाप्रभु महाप्रभु कथा सुनेंगे। अभी यहाँ प्रश्न आता है कहते आप लोग महाप्रभु को भगवान कहते हो लेकिन आपको पता होगा भारत में कितने सारे भगवान हैं। जैसे जैसे बीज लेकर खेती में बोते हैं ऐसे ही भगवान जब जन्म ले रहे अमुक भगवान अमुक भगवान अमुक भगवान कहते वहां जैसे उनको भगवान कहते हैं आप भी चैतन्य महाप्रभु ऐसे भगवान कह रहे। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है फिर आप लोग उत्तर क्या दोगे? इसलिए यहाँ पर कहते हैं जो अवतार है ये अवतार का मतलब क्या है। कहते अवतार का मतलब होता है कहते अप्रपंचात प्रपंचम अवतरणम इति अवतार। इसका डेफिनेशन देते हैं जो गोलोक वृंदावन से, इसलिए कृष्ण कहते हैं ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं जिस समय जगत में अधर्म बढ़ने लग जाए गो पृथ्वी स्त्रियों के ऊपर में अत्याचार होने लगे तब तक मैं इसी जगत में अवतीर्ण होकर के धर्म का स्थापन करता हूँ दुष्टों को विनाश करता हूँ। इसलिए तब तक मैं अवतीर्ण होता हूँ कहाँ से गोलोक वृंदावन से अवतार मतलब वहां से उतरना है वहां से वो उतरते हैं इस जगत में इसलिए उनको अवतार कहते हैं। अभी प्रश्न है क्या भगवान जब जब भगवान आ जाते हैं ना उसके लिए कुछ प्रमाण है उदाहरण देते हैं जैसे हाँ जैसे अगर कल अगर प्राइम मिनिस्टर किसी जगह पर आए हैं अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं आता है ना आप देखना पहले न्यूज पेपर में आ जाता है हैं? और वो आने से पहले बड़े बड़े मंत्री लोग आ जाते हैं आकर के उनके लिए रहने का स्थान कहाँ पर आकर लेक्चर देंगी। अब देखना टीवी में सब जगह उसका न्यूज पेपर में प्रचार हो जाता है जो अमुक जगह पर प्राइम मिनिस्टर जैसे मोदी हमारी उधर है मोदी अमुक स्थान में अमुक समय में अमुक जगह करेगा वो पहले से ही उसका विवरण हो जाती है। कि उसी तरह जो वो गोलोक वृंदावन से कोई अवतार आते हैं वो पहले सारे शास्त्र में लिख जाते हैं। जैसे अभी कल्कि अवतार अभी आए नहीं अब भागवत पढ़ो लिखा हुआ है बोले संभल ग्रामस्य ब्राह्मणस्य महात्मन भवन विष्णु जस्य कल्कि पादौ। भागवत में श्लोक आता है बोले भगवान हैं कल्कि अवतार कहाँ ग्रहण करेंगे बोले संभल ग्राम में पिताजी का नाम उल्लेख कर दिया विष्णु जस रूपी ब्राह्मणों घर में भगवान कल्कि अवतार लेकर के सबको संहार करके पुनः सत्यजीव का प्रारंभ करके पहले लिखा गया। फिर उसी तरह जब कोई भगवान आते हैं उसके लिए भी बहुत प्रमाण रहता है। इसलिए भागवत में वहां पर नेमी नव दुगेंद्र संवाद है। वहां पर एक समय श्री नेमी महाराज के दरबार में ये सत्यजीव की कथा है बड़े बड़े नौ जोगेंद्र कवि हवि अंतरिक प्रभु तुगला बड़े बड़े महर्षि ये सत्यजीव की बात है कभी उनकी घर में आए। जब आए तब नेमी महाराज उनको चरण धोए चरण पूजा की हमारे औभाग्य है हमारे घर में संत आए हैं उनको चरण धोए
फिर उन्होंने नौ जो थे ना उनको नौ अलग 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 प्रश्न किया, किसको बोले शांति कैसे मिलेगी, दूसरी प्रश्न ये माया से हम निकलेंगे कैसे, हैं ये आत्मा की कल्याण कैसे हो, उसमें एक प्रश्न है बोले हे प्रभु आप कृपा करके बताओ ये कलयुग में अवतार कौन है, वो कहां अवतीर्ण होगा, उनका नाम क्या होगा और उनको भक्ति कैसे करेंगे। तो उन्हें सत्ययुग में उन्होंने प्रश्न की थी, सत्ययुग में नव जोगेंद्र उसका आंसर देते हैं, क्या आंसर दिया है बोलो कौन से श्लोक है, बोलो कौन बोले किसको याद है, बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण सांगपांग अस्त्र पार्षदम जग्यै संकीर्तन प्रायै जयंति ही सुमेधस है। सत्ययुग की बात वो कह रहे हैं, बोले देखो बोले कृष्ण वर्णम, बोले कृष्ण ये जो दो अक्षर है जिसको जीवा में हर समय जो कृष्ण 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 नाम उच्चारण करे हैं, इसलिए देखो जो भगवान जब कोई आते हैं ना वो कोई वेद विरुद्ध कभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वेद तो उनको बनाया हुआ है ना, जैसे राम आए कृष्ण आए नारायण आए वो आ करके उनका विरोध कुछ काम नहीं करते, क्या करते हैं उनने जो काम किए हैं उसको आकर के पुनः उसको सबको सामने दिखा देते, देखो हमारा वेद क्या बताया, गीता में किया, भागवत में किया है, ये चीज को दो बार उन्होंने आकर के जगत में पुनः लोगों को सामने प्रकाश करके रख देते। जैसे प्रभुपाद जी आए है भक्ति सिद्धार्थ, उनने कोई नई बात नहीं कोई बताया, उनने कोई नई बात नहीं बताया, वही कृष्ण की वही राम की वही नारायण की बात को ला करके वेद वेदांत भागवत को हमने सामने पुनः प्रकाशित कर दिया। देखो शास्त्र में बता हुआ शास्त्र का मार्ग को फल पर तो कल्याण होगा, इसलिए कहते वो आकर क्या करेंगे, बोले जिनके जीवा में ये कृष्ण नाम हर समय कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहिमा, जो हर समय कृष्ण नाम करेंगे हैं और कृष्ण की महिमा को दुनिया में जो संपूर्ण कृष्ण की महिमा को कृष्ण भक्ति को राम भक्ति को जगत में जो प्रचार प्रसार करेगा। कहते कृष्ण वर्णम, बोले उनका शरीर का रंग कैसे होगा है, बोले अकृष्ण, इस श्लोक को कोशिश करना सबके सब याद करने के लिए, ठीक है ना, ये बहुत अच्छी श्लोक है भागवत का, अकृष्ण मतलब जो कृष्ण नहीं काले नहीं, फिर क्या बोले वो गोरे बनकर के आएंगे, क्योंकि राधारायण के भाव और अग्रकांति लेकर के आएंगे, इसलिए उनका नाम गौर हरी, इसलिए शंकर जी कहते उनका नाम गौरांग होगा, गौर हरी उनका नाम होगा, उनका शरीर का रंग होगा गौरव रंग होगा, इसलिए तप्त कांचन गौरांग जैसे होगा है। बोले कृष्ण वर्णम तिसाम अकृष्ण, बोले क्या अकेले आएंगे, बोले भगवान थोड़ी अकेले आते हैं, तो सपार सदस्य योधा सहवदर धाम और अपना भक्तों को लेकर, जैसे कृष्ण आए राधा रानी आए दाव भाई आए सखा सखी ग्वाल वाल आए, जैसे राम आए सीता आई और सबके सब आए, कहते वो अकेले कभी नहीं आते हैं, कहते वो अपना परिकरम को साथ में आएंगे, उनका जो बड़े भैया श्री दाव भैया कहते श्री नित्यानंद प्रभु रूप में आएंगे, अद्वैत आचार्य सदाशिव अद्वैत आचार्य रूप में, उनकी शक्ति श्री गदाधर पंडित श्री राधारानी गदाधर पंडित रूप में, और नारद जी किस रूप में आए कहते श्री श्रीवास पंडित रूप में आएंगे, इसलिए वो अकेले नहीं आएंगे, पूरा परिकरों को लेकर के अपना साथ में आएंगे। सांग पांग बोल अस्त्र क्या होगा कलयुग में, अस्त्र क्या होगा हरिनाम संकीर्तन, इसलिए अस्त्र होगा हरिनाम, जैसे तृतीया युग में अस्त्र क्या था उनकी धनुष, द्वापर युग में क्या था सुदर्शन चक्र कृष्ण की, और वृतावर में बसुरी, बोले कलयुग में अस्त्र क्या होगा, बोले कलयुग में बोले एबे अस्त्र नाधरिल प्राणकारी नामारिल, इसलिए कलयुग में उनका जो अस्त्र होगा वो कलयुग में अस्त्र धारण नहीं करेंगे, वो प्रच्छन्न अवतार है, जो अस्त्र है ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, परिवार जोर कर बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही अस्त्र होगा, बोले अस्त्र कैसे ये हरे कृष्ण अस्त्र कैसे हो गया, अस्त्र से हम क्या काटते हैं ना, जैसे राम मारे कृष्ण मारे अगर कोई बदमाश किए
लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र अस्त्र कैसे, बोले ये कलयुग में वो राधा जी की भाव और अहंकार लेकर के आएंगे, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु करुणा कुरुमयी करुणा भरित राधा रानी बड़ी दयालु है, इसलिए आप कहना कृष्ण तो मारे लेकिन हमारे राधा रानी किसको मारे, मैया सीता किसको मारे, किसको मारे नहीं, क्यों, ये माँ है ना, हाँ ये माँ है, इसलिए और राधा रानी की भाव अंगकांति लेकर के आएंगे, इसलिए कलयुग में किसको मारेंगे नहीं, बड़े दयालु बनेंगे, लेकिन ऊपर से तो नहीं मारेंगे लेकिन अंदर से मार देंगे, बोले अंदर से किसको मारेंगे, बोले हमारे शत्रु कौन है, बोले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, मदमात्सर्य, ये सबसे बड़े शत्रु है, ये सबके से बड़े ये शत्रु है, वो क्या करेंगे, बोले सभी का हृदय में जो काम क्रोध लोभ उसको खत्म कर देंगे, बोले कैसे, बोले ये संकीर्तन के द्वारा, ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, इसलिए महाप्रभु बोले, बोले चेत दर्पण मार्जनम, उसके बाद में सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, महाप्रभु अगर ये हरि नाम कीर्तन करोगे इसके तुमको क्या होगा, बोले तुमको इसके साथ आठ फल मिलेगा, हाँ अब बताओ इसका मतलब बताओ, बताओ तुम बताओ ये जो चद्दर मार जाने उसका मतलब होता है, चेतो दर्पण मार्जना में एक्सप्लेन कर रहे हैं इस वर्ष में श्लोक में कि जो हमारे मन का दर्पण है उसपे संसारिक चीजों का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा है कि हम दर्पण को देख नहीं पा रहे, तो मार्जनम से जो है कि हम जो मार्जन करते हैं उसको तो साफ करते हैं, तो साफ करने से हम देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आए सब लोग कार में आए, तो जैसे हमारा जो शीशा है विंडस्क्रीन, इफ इट्स ऑल ऑब्स्ट्रक्टेड, अगर उस पर मैल जमा हुआ है, मिट्टी जमी हुई है, तो हम कुछ देख नहीं सकते, तो हमारा एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो महाराज जिस लोग के बारे में बात कर रहे हैं उसका मतलब है आप सब लोग में से ज़्यादा जानते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा जो अंदर मन है उसका जो दर्पण है उसमें हमें अपना स्वरूप ही नहीं दिख रहा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मैला हो चुका है सांसारिक इच्छाओं के चलते, तो जब उसका मार्जनम हम करते हैं तो क्लियर होता जाता है, जैसे जैसे वो क्लियर होता जाता है और उसको मार्जन करने के लिए है श्री नाम श्री हरिनाम संकीर्तन, तो भगवान का जितना हम नाम करेंगे उससे वो चेतो दर्पण मार्जन होता जाएगा। दूसरा बोलो प्रकाश ब्रो, उसके बाद में बोलो जोर से बोलो, इस तरह घूम कर बोलो भव महादावाग्नि निर्वापनम और श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, जो ये संसार है ये इसको एक भव अग्नि की तरह डिस्क्राइब किया गया, यानी कि यहाँ पर सुख नहीं है बट ये जलन है, तो इस जलन को ये नाम जो हम लेंगे ये नाम जलन को काटेगा और हमें जलन से दूर करेगा यानी कि शीतलता देगा। इसलिए इसमें महाप्रभु बताए अगर ये हरिनाम कीर्तन करोगे आपको आठ फल मिलेगा, पहला नंबर है चेत रूपी जो दर्पण है, जैसे कपड़े में मैला जम जाए हम तो साबुन सर्फ से साफ कर देते हैं, लेकिन हृदय में जो मैला जमा हुआ उसको कैसे साफ करेंगे, बोले भगवान का नाम कीर्तन करने से हृदय रूपी जो दर्पण साफ हो जाएगी और अपना जो स्वरूप और भगवान का जो स्वरूप तभी ये उसका दर्शन प्राप्त होता है। और भव महादावाग्नि, संसार को उदाहरण दिया ये दावाग्नि है, अगर साधारण कहीं आग लग जाए वो तो फायर ब्रिगेड से बुझा सकते हो, जैसे अभी मेलबर्न में कहीं आग लग गई थी ना, हाँ जो दावाग्नि जहाँ अपने आप पेड़ पेड़ घस घिस करके जो आग निकलती है, हाँ बोले भैया वहाँ कोई फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगी, तो उसी तरह हम भी भगवान को भूल करके अनादिकाल से ये 14 ब्रह्मांड और 84 लाख जन्म भटक रहे हैं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई तन से दुखी, मन हम दुखी 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 जा रहे हैं, कहते ये सारे दुख कब खत्म होगी, बोले भगवान के नाम कीर्तन से सारे दुख तुम्हारी जड़ से सारे को सारे निर्वापन, मतलब है जैसे कहीं आग लग गया बुझा दिया फिर तो आग पकड़ सकती है ना, लेकिन भगवान के हरि नाम कीर्तन करोगे ऐसे, इसलिए कृष्ण गीता में कहते माम उपतुस्तु पंतय पुनर्जन्म न विद्यते,
बस पुनर्जन्म ही नहीं होगा, संसार में आना नहीं पड़ेगा, बस ठाकुर के पास में चले जाएंगे। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। तीसरा फल है, उदाहरण दिया, हमारा जो हृदय है ना एक लिली फूल है, दिन में कमल फूल खिलता है सूर्य का गिरने से, लेकिन रात को एक फूल खिलती जिसको लिली फूल कुमुदिनी कहती है, तब हमारा हृदय को एक कुमुदिनी को साथ में उदाहरण दिया, और चंद्रमा किरण को है भगवान का नाम, जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर फूल खिल जाती है, हमारा हृदय भी बुझा हुआ है, खिला हुआ नहीं, तरह तरह का दुख कष्ट से हम दुखी है, लेकिन भगवान का नाम रूपी जो किरण हृदय में पड़े वहां हृदय तुम्हारी खिल जाएगी है। इसलिए विद्यावधु जीवनम, बोले विद्या को एक बहू को साथ में उदाहरण दी, बोले विद्या का फल क्या है, महाप्रभु कहते हैं सही से विद्या फल जानी निश्चय कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति रहे, तभी तुम्हारी पढ़ना सार्थकता है। अगर ये पढ़ लिख करके मीरा कहती है प्रेम ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित हो, ये विद्या की तभी सार्थकता जब हम भगवान की भजन करोगे हरि नाम करोगे। अगर सारा दुनिया हमने पढ़ लिया लेकिन भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, वो जीरो तुम्हारी पढ़ाई। इसलिए गुरु जी कहते ना, गुरु जी एक समय कुछ अच्छे अच्छे लड़के कोई सीए कोई डॉक्टर कोई पीएचडी किया एक नदी पार कर रहे थे, नाव में बैठ गए थी, नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, अभी जब बीच दरिया में पहुंचे जो सीए कर रहा था नाव वाले से पूछता है तेरे को सीए के बारे में तेरे कुछ पता, बोले सीए किया होता है हम तो दो पैसा रोजगार पेट पालता हूँ, बोले तुम्हारा तो 25% जीवन देगा, जो इंजीनियरिंग कर रहा था बोले इंजीनियरिंग के बारे में जानते, बोलो क्या चीज होता है, बोले नहीं जानते हो तो तुम्हारा तो 50% जीवन देगा, और जो डॉक्टरेट कर रहा था वो डॉक्टर के बारे में जानते हो, लोग क्या चीज, बोले नहीं जानते हो बोले तुम्हारे तो 75 जीवन गया, देखते देखते नाव में छेद हो गया तो पानी घुसना शुरू कर दी, उसने बंद नहीं कर पाया, देखा तो बीच दरिया नाव डूब जाएगी, उसने पूछा तैरना आता है तुम लोग, तैरना किया, बोले तैरना नहीं जानते हो, मेरा तो 75% गया था तुम्हारे अभी 100%। इसका मतलब हम भी बहुत लीक पड़ गए, ये महापुरुष स्वयं दिग्विजय पंडित कह रहे हैं पृथ्वी को जो जय करते करते आए कि देखो जब ये शरीर छूट जाएगा ना तो जितने डिग्री पिग्री यही रह जाएगी, कोई डिग्री आगे काम नहीं करेगी, कौन सा डिग्री आगे काम करेगी, बोलेगा ना राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य है सत्य बोल देते है और सब कोई बात झूठा है। इसलिए कहते भगवान विद्या की प्राण किया बोले भगवान का नाम नहीं, लेकिन हम क्या कहते हैं नहीं हम तो बेटा बेटियों को हीरो हीरोइन बॉलीवुड में बनाएंगे, जो 20 साल पहले 10 साल पहले जो हीरो हीरोइन कोई नाम ले रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी का नाम देखो, मीरा का नाम देखो, तुलसीदास हनुमान का नाम देखो, करोड़ साल पहले आए और अभी भी इनका नाम दुनिया से बिठा ही नहीं, घर घर में पूजा हो रही है। इसलिए कहते विद्या की असली फल किया बोले भगवान का नाम, विद्या वधु जीवनम बोले आनंदाम बुद्धिवर्धनम, भगवान के नाम कैसे बोले आनंद रूपी समुद्र में तुम डूब जाओगे, इतना अर्थ आनंद है। लेकिन इसी जगत में देखना कोई बढ़िया सिनेमा सुंदर सिनेमा है, एक बार देख लिया बोले कैसे बहुत बढ़िया, दो बार हाँ अच्छा है, तीसरी बार हाँ अच्छा, चौथा बार और देखने का चाहिए और नहीं जाएंगे, एक रसगुल्ला खाओ कैसे बहुत मीठा बोले और एक हाँ मीठा और एक बोला तीसरा बोले नहीं और नहीं चौथा बोले उल्टी हो जाएगी हाँ तुल पहले फास्ट प्रेम कहाँ से होता है आई लव यू, सेकंड में होता है आई लीव यू, लास्ट में आई किल यू, लास्ट जगत में कोई चीज आप देखना पहले पत्नी क्या लगती है सूर्यमुखी चंद्रमुखी, बाद में सूर्यमुखी फिर ज्वालामुखी पर लड़ाई हो जाएगी, आप जगत में देखना कोई भी चीज बेटा हो गया बेटा हो गया मैं बेटा कहाँ गया बेटा हाँ पागल पागल, अगर 8-10 दिन बाद मिला बेटा तू कहाँ चला गया था बेटा तू कहाँ चला गया था एक बार फिर दो बार तू कहाँ चला गया तीन बार जा खेलते रहो आप देखना इसी जगत में ना कोई भी चीज आप देख लो इस जगत में क्यों इसका नाम संसार है, संसार मतलब क्या सरती जो खय होते जा रहे हैं जो नष्ट होती जाती है, लेकिन भगवान के नाम देखो संत लोगों को देखो सारा दिन लाख लाख दिन भर प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, लाख कोई 2 लाख कोई 3 लाख दिन भर प्रभु का है हाँ, अब घर में भी कोई कोई चालीसा पढ़ता होंगे कोई कथा पढ़ता होंगे, रामायण में कोई अर्जी आती है महाभारत भगवत कथा में कोई अर्जी आती है कोई अर्जी आती नहीं, इसलिए बोले आनंदावधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम,
हर पद पद में एक नई 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 आनंद की अनुभूति होती है, और एक दिन ऐसा आता है प्रभु की भक्ति रस में संपूर्ण रस में डूब जाते हैं। इसलिए भागवत में बताया जगई संकीर्तन प्रायी जजंती ही सुमेधस, मतलब कलयुग में जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, बोले भगवान नाम रूपी संकीर्तन के द्वारा वो भगवान की आराधना करेगा। लेकिन नाम तो अमृत है, भगवान का नाम तो मीठा है, लेकिन अभी हम मीठा नहीं लगता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं मिश्रित मीठा है लेकिन किसी किसी को कड़वा लगता है। बोले किसको, बोले जिसको जंडिस की बीमारी हो जाए, पीलिया की बीमारी हो जाए, उसको मिश्री उसको क्या लगेगा, उसको कड़वी लगेगी। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं, बोले देखो मिश्री मीठा है लेकिन तुमको कड़वी लगेगी, लेकिन चूसते रहना, लेकिन चूसते 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 जब तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी ना, फिर इतना मीठा लगेगा फिर तुम छुटेगा नहीं। उसी तरह भगवान का नाम इतने रस है, इतने आनंद, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती है। दुनिया कोई बात हो कान खड़ा हो जाएगी, बस इतना बड़ा भूत देखा, इतना बड़ा सांप देखा ना, एनर्जी आ जाएगी। लेकिन बोलो थोड़ा भगवान के नाम लेकर जब करो लेकिन रुचि नहीं आती। बोले क्यों, ये हमारे पूर्व जन्म की प्रारब्ध है, ये पाप है, हाँ अनर्थ है। लेकिन रूप गोस्वामी कहते क्या करनी चाहिए, बोले तद आदरात अनुदिनम, अच्छी नहीं लग रही पर जोर जबरदस्ती बैठो, कहते हैं जोर जबरदस्ती माला को लेकर के बैठो और आदर पूर्वक हरिनाम करते रहो। जितने भगवान के नाम जब करते रहोगे उतना हमारी अनर्थ खत्म होती जाएगी, उतना आनंद तुमको, उतना आनंद तुमको अपने आप आते जाती रहेगी। इसलिए यहाँ पर श्री भागवत में बताए भगवान आते हैं, लेकिन उसका प्रमाण है कल हम थोड़ा ज्यादा प्रमाण सुनेंगे, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या प्रमाण, कौन सा पुराण में महाप्रभु आएंगे, सारी कथा हम कल सुनेंगे। ठीक है, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। कल है मकर संक्रांति का दिन ना, कल मकर संक्रांति, तुम्हारे कल तुम्हारे घर प्रोग्राम है, कितने बजे, साढ़े दस सवेरे, कितना बजे, साढ़े दस बजे, ठीक है। पर शाम को फिर क्या घर है, शाम को रविंद्र प्रभु के घर है साढ़े छः, आपके घर में, ठीक। हरे कृष्ण महाराज जी, थोड़ा पुष्पांजलि थोड़ा, आज उनका तिथि है, अभिभाव तिथि है, वो बोले हाँ देखो जो महाराज जी है ना, ये हमारे जो सोसाइटी के बहुत बड़े संत थे, ये बहुत बड़े धनी घर के आए, वो छोटे बड़े घर के नहीं, बहुत बड़े धनी घर के लिए थे। लेकिन जब उनने गुरु वैष्णव कृपा से भगवान की जब कथा सुनी, भगवान कथा सुने तो पहले वो कहते थे मैंने साधुओं को बेकार समझता था, जो तिल्ला गला में कट्टी बहुत बड़े पैसा वाले घर के थे जिनको बेकार समझता था। लेकिन जब मैंने साधुओं की कथा सुनते 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 पता चला भैया इनका जीवन ही धन्य जगत में, हाँ इनकी जीवन ही धन्य, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, उन्होंने शादी सुधा भी किए हुए थे लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ करके मंदिर में आए, और ये बहुत बड़े वेदांत के थे। वेदांत को हर समय जब कथा करते थे ब्रह्मसूत्र को, हाँ एक ब्रह्मसूत्र को उठा उठा करके उसको व्याख्या करते थे, हाँ बड़े सुंदर। अरे इनकी कथा इतने सुंदर कथा, इतनी सुंदर कथा, पहले संसार के प्रति जो वैराग्य है ना, इनकी कथा सुनोगे तो संसार के प्रति वैराग्य आ जाएगा, संसार बेकार है, भगवान की भजन करनी चाहिए। इसलिए हमारे उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीन व्यक्ति को तीन पदक दी गई, ब्रह्मा का जो पोस्ट वहाँ पर तीन महाराज थे, भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज का देखिए ब्रह्मा है, ब्रह्म का काम होता है सृष्टि करना, कथा स्नेह सिखाना, प्यार करना, और ये महाराज जो कहते थे ये कौन है, शंकर जी, शंकर जी, शंकर क्या करते हैं, विनाश करते हैं। इनकी जो कथा थी बड़ी कठोर कथा थी, ऐसी कठोर कथा थी, सिद्धांत थी, सारे मायावाद को सारे अपसिद्धांत को ये खंडन करते थे, हर समय ये खंडन करते थे। इसलिए उनको तीन पिलर माने, इनको तीन पिलर मानते थे, और इनका जो जो कपड़ा जो पहनते थे ना इतने सीधा साधा, कभी पैर नीचे तक कभी कपड़ा उन्हें नहीं पहनते थे, यहीं तक जैसे गोस्वामी लोग होते थे ना एकदम।